क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अभी रिसेंटली 2015 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ है, तो देखते हैं। द सिग्नम फंक्शन इज गिवन बाय सिग्नम एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ सिग्नम ऑफ कॉस टी। सिग्नम फंक्शन वैसे भी आपने पढ़ रखा होगा, सिग्नम टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो उसकी वैल्यू वन होती, फॉर टी लेस देन जीरो उसकी वैल्यू माइनस वन होती, टी इज इक्वल टू जीरो पे जब एवरेज वैल्यू लिखा हुआ होगा क्योंकि वहाँ डिसकंटिन्यूटी होती है तो जीरो आ जाती है। टी ग्रेटर देन जीरो रखोगे तो मॉड एक्स भी एक्स हो जाएगा, ये एक्स है, एक्स अपान एक्स वन हो जाएगा। फॉर एक्स लेस देन जीरो या टी लेस देन जीरो मॉड एक्स माइनस एक्स आएगा, एक्स तो एक्स ही है तो माइनस वन हो जाएगा। तो वो चीज़ वही है, मतलब सिग्नम के अंदर अगर आर्गूमेंट पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू वन होती है, अगर आर्गूमेंट निगेटिव है तो उसकी वैल्यू माइनस वन होती है, और आर्गूमेंट जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। सिंपली ये याद रखिए। तो अब देखो, अगर इस सिग्नल का पूछा है कि क्या आएगा, इस सिग्नल को देख के आपको तुरंत होना चाहिए, कॉस टी एक इवन सिग्नल होता है, अगर मैं इसको एफ टी मान लूँ तो एफ टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सिग्नम ऑफ कॉस टी। अभी इसका मैं वेव फॉर्म भी बनाऊंगा, फिर मैं इसमें से देखो कौन से ऑप्शन सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं एफ ऑफ माइनस टी निकालूं, सिग्नम ऑफ कॉस टी एक रियल सिग्नल तो है ही क्योंकि इसमें केवल रियल वैल्यूज आएंगे, एफ ऑफ माइनस टी निकालो तो सिग्नम ऑफ कॉस ऑफ माइनस टी आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये फिर से आ जाएगा सिग्नम ऑफ कॉस टी, सेम सिग्नल एफ टी आ गया कि नहीं। मतलब एफ टी कैसा है, इवन सिग्नल है, रियल और इवन है, क्योंकि रियल तो दिख ही रहा है एफ टी और इवन भी है, और रियल और इवन में आपने बताया था कि फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज सी एन जो होता है प्योरली रियल और इवन नेचर का होता है, और उसको प्योरली रियल और इवन होने के लिए केवल ए एन एग्जिस्ट करेंगे, बी एन जे इंटू बी एन इमेजिनरी पार्ट जीरो होने के लिए बी एन को जीरो होना पड़ेगा। तो केवल कैसे हार्मोनिक्स आएंगे, को साइनोसाइडल, डी सी टर्म मे आर मे नॉट बी जीरो, तो साइनोसाइडल तो नहीं आएंगे, तो इसमें जितने साइन वाले हैं ओनली साइन टर्म विद ऑल हार्मोनिक्स ये सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, ओनली साइन टर्म विद इवन नंबर हार्मोनिक्स ये दोनों तो आ नहीं सकते, मतलब आएंगे तो क्या साइनोसाइडल। अब देखते हैं, अब इसमें लेकिन कह रहा है कि सारे हार्मोनिक्स आएंगे, एक में कह रहा है कि ऑड नंबर, ऑड नंबर कब आते हैं, अगर आप ध्यान से सोचो इवन नंबर वाले कब जीरो हो जाते थे, जब हाफ वेव सिमेट्री होती थी। तो देखते हैं कि यहाँ हाफ वेव सिमेट्री है भी कि नहीं है, तो इसको प्लॉट करते हैं। तो सिग्नम को प्लॉट करने के लिए पहले आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा, सिग्नम ऑफ कॉस टी, कॉस टी को प्लॉट करो, कॉस टी का टाइम पीरियड क्या है, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, वन है, तो टाइम पीरियड टू पाई हो गया कि नहीं, टू पाई बाई ओमेगा नॉट, तो इसको प्लॉट करता हूँ। एक इवन सिग्नल होता है, अगर आपने प्लॉट किया होगा तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई, तो ये वैल्यू कितनी है, जीरो कब होता है, ये पाई बाई टू पे होता है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा पाई, और ये वाला पॉइंट 3 पाई बाई टू पे फिर से जीरो होता है, ये वाला पॉइंट 2 पाई आ जाएगा, इसी तरह से ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस पाई, ये वाला माइनस 3 पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये आ गया आपका कॉस टी का ग्राफ। तो अगर सिग्नम ऑफ कॉस टी, मैंने कहा सिग्नम के अंदर अगर आपका क्या हुआ आर्गूमेंट, अगर आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया तो वैल्यू वन आती है, अगर आर्गुमेंट निगेटिव हो गया तो वैल्यू माइनस वन आती है, अगर जीरो हो गया आर्गुमेंट तो वैल्यू जीरो आती है। सिंपली तो आप देखो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में क्या है, आर्गुमेंट इज पॉजिटिव तो क्या आएगी, वैल्यू वन आती है सीधे, तो ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में क्या आएगा, प्लस वन आएगा। फिर पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू में देखो आर्गुमेंट इज निगेटिव तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली माइनस वन आ जाएगी, तो यहाँ माइनस वन आ गई, इसी तरह से यहाँ फिर से प्लस वन आएगी अगले हाफ पीरियड में, यहाँ से देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वन हो जाएगा सिंपली। तो देखो इस तरह की वेव फॉर्म आएगी क्या, सिग्नम ऑफ कॉस टी, ये इसी वेव फॉर्म एफ टी का बताना है। तो अब ध्यान से देखो, अगर इसको माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू है, ये माइनस थ्री पाई बाई टू है, रियल और इवन तो दिख ही रहा है क्योंकि देखो जैसा इस हाफ में है वैसा इस हाफ में एग्जैक्टली मिरर इमेज है, यहाँ से भी आपने निकाला तो इवन वही चीज़ आई है, यहाँ पे टाइम पीरियड तो टू पाई है ही, माइनस पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू, टू पाई का स्पैन है। अब साथ में देखो ये हाफ वेव सिमेट्री है क्या, मैं यहाँ से यहाँ एक इसका पीरियड अगर कंसिडर कर लूँ, ये इसका पहला हाफ है पाई, इसका ये दूसरा हाफ पाई है, अगर इसको आगे शिफ्ट करूँगा टी बाई टू अमाउंट से, क्योंकि टी बाई टू इज पाई, अदर टी बाई टू इज पाई, तो ये शिफ्ट करूँगा तो ये यहाँ आएगा, या और मिरर इमेज जो है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसी को तो आप कहते हो हाफ वेव सिमेट्री, एक हाफ को शिफ्ट करो एक हाफ को फिक्स रखो, और अगर मिरर इमेज आ गए अबाउट एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज हाफ वेव सिमेट्री। जैसे हाफ वेव सिमेट्री है तो ये रियल भी है इवन भी है एंड हैज हाफ वेव सिमेट्री, ये वाली वेव फॉर्म का मैंने आपको बताया भी था, रियल इवन एंड हाफ वेव सिमेट्री। तो जैसे हाफ वेव सिमेट्री होगी इवन हार्मोनिक्स जीरो हो जाएंगे, रियल और इवन की वजह से
केवल कोसाइन आएंगे, लेकिन उसमें इवन वाले भी जीरो हो जाएंगे ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री। तो क्या आएंगे? ओनली कोसाइन टर्म्स विद ऑड नंबर हार्मोनिक्स। ये आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2017 में अभी पूछा गया था आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में, और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आई थिंक डिस्कस कर रखा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो ये आधे पेज का केवल क्वेश्चन गिवेन है, और बहुत ही सिंपल आंसर है। क्या गिवेन है? लेट एक्स टी बी ए कंटिन्यूअस टाइम पीरियडिक सिग्नल विद फंडामेंटल टाइम पीरियड टी। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? 2π/T, 2π रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। मैं यही निकाल देता हूँ क्योंकि आगे रेडियन का डिस्कशन कुछ किया है, ठीक है, 2π रेडियन पर सेकेंड। लेट ए के बी द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोफिशियंट ऑफ एक्स टी। तो ए के दे दिया, हम ए एन लेते हैं, यहाँ के ले लिया है जो वेरिएशन होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेर के इंटीजर तो होता ही है, 1, 2, 3 रखते हो, -1, 2, -1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 निगेटिव साइड में भी जाते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स ऑफ 3t। जैसे आपने स्केलिंग की, मैंने बताया था स्केलिंग एक्स ऑफ 3t करते हो, जैसे स्केलिंग करते हो ए अमाउंट से, फिर ए ग्रेटर देन जीरो था या बी ग्रेटर देन लेस देन जीरो, दोनों केस में बताया था। लेस देन जीरो के केस में केवल सी एन सी माइनस एन हो जाता था, और ग्रेटर देन जीरो के केस में एक के पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ए एन है तो ए एन ही रह जाएगा, सी एन है तो सी एन ही रह जाएगा। बट जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है एक्स ऑफ ए टी की क्या हो जाती थी? ए इंटू ओमेगा नॉट। एक्स ऑफ बी टी की जहां बी लेस देन जीरो वहां मॉड ऑफ बी इंटू ओमेगा नॉट हो जाती थी, और वहां पे बी लेस देन जीरो के लिए बस सी एन सी माइनस एन हो जाता था, लेकिन ए ग्रेटर देन जीरो के लिए वो वही रहता था। तो यहां ए ग्रेटर देन जीरो है, 3 है, तो ए के तो वही रह जाएगा। तो क्या कह रहा है? द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आर ए के वेयर के इज इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ए के ही होगा। ये कह रहा है 3 ए के हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। फिर कह रहा है द फंडामेंटल एग्रोम फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ 3t। मैंने कहा था जितने से स्केलिंग करोगे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन है तो मॉड से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका 2π था, यहाँ से 3 किया तो 3 × 2π क्या हो जाएगा? 6π रेडियन। ये भी क्या है? करेक्ट। तो कौन सा ट्रू है? फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। सिंपली आंसर आपने दे दिया। स्केलिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी सिंपली, अगर उससे रिलेट करोगे ईजिली क्वेश्चन, या आपके दो नंबर में आया था 2017 में, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करने आता है तो गेट में वही करते हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ से रिलेट करके क्वेश्चन बहुत एग्जैगरेट कर देते हैं कि आप उस चीज़ों को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, और आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लगता है तो आप घबरा जाते हो। जबकि ये बहुत ही, जितने मैंने पिछले क्वेश्चन कराए उसमें तो कैलकुलेशन था, फिल्टर से पास करना था वो सब, ये क्वेश्चन तो पढ़ना था और आंसर था, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना था अगर प्रॉपर्टीज़ आपको आती हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2017 में ही आस्क्ड है आपके इसी ब्रांच में, सिंपली प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे सिंपली वो देते हैं आपको, ए पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी हैज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट एन 1 to ∞ ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन कॉस एन ओमेगा नॉट। इसी का रिलेशन हम सी एन के टर्म में निकालते हैं, जो सी एन इज इक्वल टू ए एन बाई 2 माइनस जे बी एन बाई 2 होता है। तो यहाँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी उन्होंने कितनी दे दी? ओमेगा नॉट एन ओमेगा नॉट, ठीक है। तो टाइम पीरियड टी क्या होगा बताओ? 2π/ω0 होगा कि नहीं? तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उससे आप एक्सट्रैक्ट कर लिया करो कि यहाँ देखो π/ω0 यूज है, इसीलिए मैं ये चीज लिख रहा हूँ। तो ये रिलेट करने आना चाहिए। इफ एक्स टी इज इक्वल टू क्या दे रहा है? ये रियल तो है ही सिग्नल, देखो ए नॉट ए एन कॉस ओमेगा नॉट टी, ए पीरियोडिक सिग्नल एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, कुछ मेंशन ना हो तो इन जनरल हम रियल मान के ही चलते हैं। तो आप हमेशा इसको रियल ही माना करो, क्योंकि इन जनरल हम डील ही करते हैं रियल सिग्नल को, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी है, क्या बता रहा है? कि ये ऑड है। तो जैसे रियल और ऑड मिला क्या हो जाएगा? रियल और ऑड मिलते ही सारे एएनस तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि रियल और ऑड होने में सी एन कैसा आता था? प्योरली इमेजिनरी आता था। प्योरली इमेजिनरी होने के लिए एएनस को जीरो होना पड़ने का, केवल बी एन बचेंगे, जे बी एन बाई 2, तो केवल साइनोसाइडल हार्मोनिक्स आएंगे। तो ए एन तो जीरो होंगे फॉर ऑल एन, तो देखो ए एन आर जीरो फॉर ऑल एन, ए एन आर जीरो फॉर ऑल एन, फॉर इवन फॉर ऑड, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ए एन तो सबके लिए ही जीरो होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन, एक में कह रहा है केवल इवन के लिए जीरो, एक में कह रहा है केवल ऑड के लिए जीरो, तो ए एन तो हमेशा ही जीरो होंगे, जो कोसाइनोसाइडल तो आ ही नहीं सकते रियल और ऑड में, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? टी माइनस, अगर t की वैल्यू 2π/ω0 है, टी बाई 2 करोगे तो यही आ जाएगा कि नहीं? और अभी आपने पढ़ा था हाफ वेव सिमेट्री में, अगर ऐसा आ जाए t
टी प्लस माइनस टी बाई टू, प्लस टी बाई टू हो या माइनस टी बाई टू उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ टी माइनस टी इसको कहते हैं हाफ वेव सिमेट्री। तो ये हाफ वेव सिमेट्री जब भी आती है तो इवन वाले भी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये है रियल, ऑड और हाफ वेव सिमेट्री। तो क्या है, रियल और ऑड होने की वजह से केवल साइनोसाइडल आएंगे, डीसी टर्म नहीं आएगा, ऑड होते ही डीसी टर्म नहीं आता, और हाफ वेव सिमेट्री आते इवन वाले भी जीरो हो जाएंगे। तो केवल एग्जिस्ट करेंगे ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइनोसाइडल, मतलब बीएंस केवल एग्जिस्ट करेंगे फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन, इवन के लिए ये भी जीरो होंगे और एन तो सारे एन के लिए जीरो होंगे। तो एन आर जीरो फॉर ऑल एन एंड बीएन आर जीरो फॉर एन इवन, इवन के लिए बीएन जीरो हो जाएंगे। यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, केवल ऑड के लिए एग्जिस्ट करेंगे ऑड हार्मोनिक्स ऑफ बीएन। यहां पे एन जीरो फॉर ऑल एन है लेकिन बीएन ऑड के लिए, ऑड के लिए तो एग्जिस्ट करेगा जीरो नहीं होगा, इवन के लिए क्या होगा जीरो होगा और ऑड हार्मोनिक्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है इसमें रिलेट करने आपको आना चाहिए टी माइनस टी बाई टू, तो इजिली आपका क्या जाएगा आंसर। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, गेट में ये रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन थे। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करने आता है, तो एक क्वेश्चन मैंने फिल्टर का डिस्कस किया था, तो फिल्टर वाले क्वेश्चन में हमेशा आप ये दिमाग में रखा करिए कि फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके अंदर जितने हार्मोनिक्स आएंगे वही पास होंगे, और पास होने के लिए जब भी आप एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज लोगे तो आप ओमेगा नॉट एक होगा तो एक माइनस ओमेगा नॉट होगा, उसको मिस मत करिएगा, उससे मैग्नीट्यूड पे आपको हो सकता है फर्क पड़ जाए। तो उसको लेंगे, जैसे हमने एक 4000 cos 200 पाई टी वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें मैंने पहले बताया था कौन से हार्मोनिक्स आएंगे, ऑड हार्मोनिक्स, तो उसमें एक ही आ रहा था जो फिल्टर से पास हो सकता था, फिर फिल्टर से पास। तो जब भी आप टी डोमेन में जाते हो, एलटीआई सिस्टम पास करते हो, तो कन्वोल्यूशन होता है आउटपुट, और ओमेगा डोमेन में जाते हो तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो वहां से वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, उसको हमने सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर्टीज बेस्ड है, अगर प्रॉपर्टीज आप इजिली अप्लाई करो तो बहुत इजिली मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद से करना, मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, फोरियर सीरीज आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। और फोरियर सीरीज में जो जो चीज़ें, जैसे एक सैम्पलिंग जो आपका इंपल्स ट्रेन था, उसका मैंने आपको फोरियर सीरीज निकालना सिखाया था, फोरियर सीरीज निकालने के बाद उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना भी सिखाया था, वो आपको कहाँ काम आएगा, सैम्पलिंग थ्योरम जब मैं पढ़ाऊंगा। सैम्पलिंग थ्योरम में मैं सीधे शुरू करूंगा, आपको बेसिक पता होगा कि जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट रिक्वायर होती है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, परफेक्टली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल, उसके लिए जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंटेंट होगा इनपुट सिग्नल जिसको आप सैम्पल कर रहे हो उसके 2 times एटलीस्ट होना चाहिए। मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज 2 times द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल, कम से कम उतना होना चाहिए या उससे ज़्यादा रखोगे, इन जनरल प्रैक्टिकली ज़्यादा ही रखते हैं। तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट आपको फोरियर सीरीज से कई बार पता करना पड़ेगा, या स्केलिंग की गई है तो स्केलिंग से मैंने बताया था कि ओमेगा अगर एक्स ऑफ टी का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट ओमेगा नॉट है तो एक्स ऑफ 2t का क्या हो जाएगा, हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, अगर आप स्केलिंग करते हो इसी स्केल वर्जन से फ्रीक्वेंसी अप या डाउन हो जाती है। 2t करोगे तो 2 ओमेगा नॉट, 1 by 2t करोगे तो ओमेगा नॉट by 2 हो जाएगा। तो उस पर भी देखा था 2017 में, 2 number का क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो जितनी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज पे काफ़ी फोकस किया, आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाने की कोशिश की, और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज से मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन करना है तो मैं कर सकता हूँ, उसको मैंने यहाँ जितना पॉसिबल था उतना डिस्कशन किया। बाद में हम डिटेल में हो सकता है आगे आने वाले कोर्सेज में डिस्कस करेंगे मे बी, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को जितना पढ़ा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, जितने मैंने चीज़ें पढ़ाई जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, आराम से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इजीली इससे बन जाएंगे अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो। फोरियर सीरीज में डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपने इतनी भी प्रॉपर्टीज़ बना ली तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आने वाले हैं आप मान के चलो कि आप बना सकते हो, 90-95% आपका चांस रहेगा कि आपका बन ही जाएगा, अनलेस अनटिल बहुत ही टफ क्वेश्चन आ जाए। और जब मैं सैम्पलिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको मैं फिल्टर से थोड़ा डील करना सिखाऊंगा, वहां 2 type के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पता करने की कि क्या होनी चाहिए, मिनिमम निक्वेस्ट रेट पता करने को, तो उसमें तो आपको क्या पता करना होता है, इनपुट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता करो, 2 से मल्टीप्लाई करो सीधे, मैं यहां बात कर रहा हूं बेस बैंड सिग्नल की या लो पास सिग्नल की। बैंड पास सैम्पलिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको नॉर्मली एग्जाम में आता भी नहीं है, आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन 1-2 आते होंगे बट गेट एग्जाम में अभी नहीं पूछा जाता, तो क्रैश कोर्स में मैं अभी उसे डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं बेस बैंड के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो वहां 2 times होता है, उसमें फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सैंपलिंग के बाद फिल्टर से पास करने पे क्या क्या आउटपुट में आएगा, एलियाजिंग होगी तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पास होंगी, तो उसको मैं सिंपली आपको जो सैंपलिंग
आपका जो एक इम्पल्स ट्रेन था उसका फ्रीक्वेंसी या फोरियर ट्रांसफॉर्म निकला आपको आना चाहिए, और दो तीन और सिग्नल्स होंगे जिनके आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर इजीली लिख सकते हो। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्लियर है तो सैम्पलिंग में कुछ भी नहीं है, आपको बस फ्रीक्वेंसी हाइजेस्ट फाइंड आउट करना है, या फिल्टर में जितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके अंदर क्या पास होगा वो फाइंड आउट करना, ईजिली आपके सारे आंसर आ जाएंगे। और वहाँ पर मैग्नीट्यूड की भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें केवल पता करना होगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पास होगी कौन सी पास नहीं होगी, तो वहां तो इजीली और भी इजी हो जाएंगी चीजें। मैग्नीट्यूड को देखने की जरूरत नहीं, केवल हमें फ्रीक्वेंसी पे कंसंट्रेट करना होगा, क्या पास हो सकता है क्या पास नहीं हो सकता। तो अभी आप फोरियर सीरीज पे फोकस करिए पूरा, नेक्स्ट लेक्चर में हम सैंपलिंग थ्योरम शुरू करेंगे और सैंपलिंग थ्योरम इजीली कवर कर लेंगे, एक दो लेक्चर में इजीली कवर हो जाएगा, आपके सारे गेट के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, और मैं जो गेट में अच्छे क्वेश्चन हैं उनको डील करूंगा, देख आपको दिखाऊंगा कितने इजी तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।